लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बढ़ती गौ तस्करी के मुद्दों को लेकर सियासत तेज है। प्रदेश में गौ तस्करी को रोकने के लिए प्रांतीय गौ रक्षा प्रमुख उमेश बिसेन दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं। रायपुर के सिद्धार्थ चौक से निकली दंडवत यात्रा में गौ सेवक उमेश बिसेन राजधानी की सड़कों पर दंडवत होकर निकल पड़े हैं। गौ तस्करी रोकने के लिए वे सड़कों पर दंडवत होकर सरकार को अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। उमेश का कहना है कि प्रदेश में ग्राम तस्करी युद्ध स्तर पर हो रही है। हम तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब तस्कर जेल से छूटते हैं तो मेरे घर की रेकी करते हैं और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। हमने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने गौ तस्करों के नार्को टेस्ट की मांग की है। जुड़ जाते हैं, हिंदू संगठन बनाते हैं, भगवा मतलब अन्य चीजें बनाते हैं और ये उसकी आदमी तस्करी करते, एक ट्रक पकड़वाते हैं, 10 ट्रक ले जाने का ये पैसा लेते हैं। मेरी आईजी साहब से मांग है, मेरे को धमकी 3 बार आई, 3 बार मैं रिपोर्ट लिखा पुरानी थाने में और लगातार मेरे को धमकी आती रहती है। मैं रिपोर्ट बराबर लिखा रहा पर पुलिस कहीं ना कहीं घटना सामान्य ले रही है। अब वह तस्कर मेरे घर में जाके अब रेकी करते हैं, जान से मारने प्रयास करते हैं, वहां पे वो पकड़ाते भी हैं और वही तस्कर बेल में आके फिर यहाँ प्रोपोगंडा, उल्टा सीधा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, नए नए चीजें कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कहना है आईजी साहब से यही है, इनका मोबाइल रिकॉर्ड निकालो, 2 साल का पूरा, कहाँ कहाँ गए, कौन से एरिए में गए, इनका अकाउंट निकालो। जो हम चाहते हैं नार्को पुलिस टेस्ट करवा दो, क्योंकि जैसे ही नार्को टेस्ट होगा मेरे हिसाब से पूरे देश के सबसे तस्कर का, जो माफिया गैंग का, खुल जाएगा। क्या लगता है आपको, सरकार और प्रशासन जो है वो लापरवाही बरत रही है? पुलिस को जिस गहराई से काम करना चाहिए, वो लगती है आरोपी पकड़ा गया, ड्राइवर पकड़ा गया, 2-4 पकड़ा गया, इस पर काम नहीं। अगर इसमें नार्को पुलिस टेस्ट हो जाए ना तो पूरा डिटेल, कौन नेता शामिल है, कौन हिंदू संगठन से शामिल है, वास्तविकता में कितने हिंदू शामिल है उसमें, ये क्लियर हो जाएंगे। बता दें, प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान विपक्ष में रही बीजेपी ने गौ तस्करी को बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रदेश भर में बनाए गए गौठानों में अव्यवस्था को लेकर बड़ा अभियान भी चलाया था। गौठानों में गौवंश की बदहाली को लेकर प्रदेश भर के गौठानों में जाकर बीजेपी पदाधिकारियों ने अव्यवस्था को सबके सामने लाया। अब सरकार में आने के बाद गौ तस्करी को लेकर कुछ कार्यवाही तो हो रही है, बावजूद इसके राजधानी में ही तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दंडवत यात्रा निकालकर बीजेपी सरकार के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। दंडवत यात्रा के बहाने गौ तस्करी करने वाले हत्यारों पर कार्रवाई को लेकर गौसेवक उमेश बिसेन ने कई सनसनीखेज आरोप भी लगा दिए। उनका दावा है कि राजधानी में भी कई लोग तस्करी का काम करते हैं, हिंदू संगठन बनाकर इसकी आड़ में ये माफिया गौ तस्करी का काम कर रहे हैं। उमेश के दावों की हकीकत तो कार्रवाई के बाद ही सबके सामने आ पाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले यदि इस मामले पर सही ढंग से जांच हुई तो प्रदेश की सियासत में भूचाल जरूर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।